किसान भाइयों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और ठंडी भी इस बार जल्द आने वाली है, तो अपने मछलियों के लिए हम क्या करें, भोजन में क्या करें, मछलियों का ख्याल कैसे रखें, यानी कि अक्टूबर महीना में कैसे मछली पालन करें। दोस्तों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये तीन महीना ठंडी का रहेगा। फरवरी में भी ठंडी पड़ती है लेकिन फरवरी में धूप होने लगता है, तो हमें अक्टूबर में ही तैयारी कर लेना है नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लिए, खासकर दिसंबर और जनवरी के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे तालाब के बारे में, तालाब के पानी के बारे में, कि अगर पानी आपका गंदा रहा, अगर पानी में कोई दिक्कत रहा, तो आपकी मछलियों में रोग लगना तय है दिसंबर और जनवरी के दिनों में। और दिसंबर और जनवरी का महीना ऐसा होता है जब पानी बहुत अधिक ठंडी रहती है, धूप नहीं होता है, तो कितना भी दवाई डलवा दीजिए रोग ठीक नहीं होता है, एक तरफे सारा का सारा मछली मर जाता है। तो आपको कुछ उपाय अभी कर लेना है, उनके बारे में आपको हम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो वो लोग सावधान हो जाएंगे ठंडी में जो कैटफिश मछलियों का पालन करते हैं, या ऐसी मछलियाँ जो मांसाहारी मछली है, जैसे कि रूपचंदा। पंगास की हम बात करें तो जिन किसान भाइयों का पंगास का फर्स्ट टाइम है, पहला बार है, वो पंगास मछली में बहुत अधिक सतर्कता के साथ काम करेंगे। ठंडी में आपको रात दिन पानी चलाना पड़ेगा, यानी कि नवंबर से आपको रात दिन पानी चलाना पड़ेगा, चार घंटा पाँच घंटा कर। और जो लोग अभी पंगास का सीड डालना चाहते हैं, वो सीड अभी स्टॉक ना करें, दो तीन महीना रुक जाइए, फरवरी में स्टॉक कीजिएगा, क्योंकि रिस्क लेना बहुत भारी पड़ सकता है नए किसान के लिए। जो पुराने किसान हैं, 3 साल 4 साल 5 साल से जो पंगास पाल रहे हैं, उन्हें सब अनुभव हो जाता है कि पंगास मछली को ठंडी में कैसे बचाना है। पंगास मछली को बचाने के लिए नमक का, चूना का, हल्दी का सही से उपयोग किया जाए तो कम खर्च में पंगास मछली में कोई भी रोग नहीं लगेगा। कुछ सैनिटाइज़र आता है, कुछ जियो लाइट आता है, वो सब है पंगास का उपाय। और पानी चलाते रहना है, 5 फीट 6 फीट 7 फीट तक पानी अगर आप कर देते हैं पंगास वाले तालाब में, नवंबर दिसंबर, असली दिक्कत दिसंबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर और जनवरी, इसमें अपने मछलियों को बचा लीजिए, पंगास हो या रूपचंदा हो, बहुत अच्छा रहेगा। जिन मछलियों को चर्बी हो जाता है, यानी कि 200-300 ग्राम के ऊपर की मछलियाँ, इनको मरने का चांस अधिक रहता है ठंडी के दिनों में, तो पंगास वाले किसान एकदम सतर्क हो जाएंगे और जियो लाइट अपने पास रखेंगे, जियो लाइट और एक्वा सैनिटाइज़र, कोई भी सैनिटाइज़र या फिर सीफैक्स मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं, कोई भी रोग आपके तालाब में नहीं आएगा। सीफैक्स एक रामबाण दवा है, हम लोग के कंपनी का सीप्रो करके आता है सीफैक्स की जगह, बहुत अच्छा दवा है, आप मंगवा सकते हैं, कोई भी रोग आपके पंगास में, रूपचंदा में या अन्य मछलियों में ठंडी में नहीं लगेगा। ये हो गया प्यासी की बात। दूसरा, जो किसान पानी का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, पानी के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ छोड़ देते हैं, या 6 महीने से बच्चा डालकर पानी का एक बार भी ट्रीटमेंट नहीं किए हैं, वो अक्टूबर महीने में चूना का प्रयोग करेंगे। अक्टूबर महीने में क्या क्या करना है, सबसे पहले पानी का ट्रीटमेंट, पानी का इलाज करना है, उसमें चूना, 1 एकड़ में आप 60 से 70 केजी तक चूने का इस्तेमाल कर देंगे, जिससे कोई भी नुकसानदायक चीज़ होगी तालाब में, या पीएच, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सभी चीज़ ठीक हो जाएगी, नीचे अमोनिया गैस होगा वो ठीक हो जाएगा, चूने का इस्तेमाल आपको कर देना है। हमने पिछले वीडियो में गुड़ के बारे में बताया था, गुड़ का प्रयोग आपको एक बार कर देना है, नमक का प्रयोग अक्टूबर के महीने में कर देना है, हल्दी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, हल्दी के साथ चूने का प्रयोग आप कर दीजिए। इतना हल्दी डालना है तो 1 एकड़ के तालाब में आप 4 से 5 केजी हल्दी डाल सकते हैं, 4 से 5 केजी तक गुड़ डाल सकते हैं, और चूना आप 60 से 70 केजी तक डालेंगे। अक्टूबर महीने में पानी का ट्रीटमेंट इस तरह से आपको करना है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ठंडी के लिए मछलियों का भोजन क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है ठंडी में मछलियों के भोजन का, वो है सरसों की खली। इसे खिलाने का दो तरीका होता है ठंडी के दिनों में, एक तो तालाब में छिड़काव कीजिए जैसे आप करते हैं गर्मी में, दूसरा बैग फीडिंग। बैग फीडिंग में आप सरसों की खली रखते हैं,
गेहूं का या मकई का या फिर राइस ब्रान, इनका दर्रा करवा लेते हैं या राइस ब्रान रख देते हैं। चौथा चीज़ इसमें है गुड़ और मिनरल मिक्सचर। ये चार चीज़, गुड़, मिनरल मिक्सचर, सरसों की खली और राइस ब्रान मिल जाए तो सही है, नहीं तो आपका मकई का दर्रा बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप राइस ब्रान, सरसों की खली, मकई का दर्रा और गुड़ करवा लीजिए, मिनरल मिक्सचर करवा लीजिए। मुख्य भोजन होगा सरसों की खली और मिनरल मिक्सचर, ये आप करेंगे भोजन के लिए। मिनरल और ईस्ट मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण काम भोजन से रिलेटेड आपको अक्टूबर महीना में करना है, वो है फर्मेंटेशन। यही एक महीना है अक्टूबर और नवंबर का जिसमें धूप अच्छे से होगा, दिसंबर से धूप भी अच्छे से नहीं होता है, और जब धूप नहीं होता है तो मछलियों के तालाब में भोजन बनने की जो प्रक्रिया है, प्लैंकटन बनने की प्रक्रिया है, वो बंद हो जाती है, रुक सी जाती है और तालाब में प्लैंकटन ख़त्म हो जाता है। तो इन दो महीनों में अक्टूबर और नवंबर भर आपको फर्मेंटेशन अच्छे से करना है और अच्छा फर्मेंटेशन करना है। अच्छा फर्मेंटेशन के लिए आपके पास मिनरल मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है, ईस्ट पाउडर होना बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़, ईस्ट और मिनरल, आप मंगवा लीजिए। ये आपका 4-5 महीना चलेगा। 10 किलो मिनरल, 5 किलो ईस्ट एक एकड़ में आपका 4-5 महीना तक चलेगा, ठंडी निकल जाएगा और मछलियों का ग्रोथ भी नहीं रुकेगा। मिनरल और ईस्ट मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। ठंडी में मछलियों का सबसे मुख्य भोजन सरसों की खली है और मिनरल मिक्सचर है। एक तो बैग फीडिंग में कर देंगे, दूसरा जब बाहर से आप भोजन का छिड़काव करेंगे तो उसमें आप मिनरल और सरसों की खली मिलाकर डालेंगे। अक्टूबर में फर्मेंटेशन करने के लिए एक बार फिर से हम बता देते हैं, सरसों की खली एक एकड़ के लिए 50 किलो, 200 किलो गोबर, सरसों की खली 50 किलो, 10 केजी यूरिया, 10 केजी DAP, SSP और राइस ब्रान मिल जाए तो सही है, 15 केजी तक राइस ब्रान ले लीजिए आप, गुड़ 5 केजी तक ले लीजिए। ये सब मिनरल इसमें आपको 2 किलो मिलाना है, ईस्ट 1 केजी मिलाना है, पानी के साथ 2 ड्रम में, 200 लीटर वाले ड्रम में सबको तैयार करके पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके ढक देना है 1 सप्ताह के लिए। 1 ड्रम को 4 दिन के अंतराल कर कर के पूरे तालाब में डलवा दीजिए। अक्टूबर महीना में जितना अच्छा प्लैंकटन आप तालाब में बना सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा, और अच्छी मात्रा में जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन बनेगी, मछलियाँ स्वस्थ हो जाएगी तो उन्हें कोई भी रोग लगने वाला नहीं है। ये प्रक्रिया आप पंगास वाले तालाब में भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दाना पर डिपेंड रहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि पूरी तरीके से पंगास मछली को दाना पर आप नहीं छोड़िए, आप पंगास वाले तालाब में भी फर्मेंटेशन कीजिए ना, बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। पंगास वाले तालाब में हम फर्मेंटेशन करते हैं और दाना भी खिलाते हैं, FCR बहुत कम आता है, दाना में बहुत कम खर्च आता है, क्योंकि जू प्लैंकटन जो बनता है यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो बनते हैं उसे पंगास मछली खाती है। तो पंगास वाले तालाब में जू प्लैंकटन बनाने के लिए फर्मेंटेशन कीजिए, और जब आप फर्मेंटेशन करेंगे यानी कि गोबर का छिड़काव करेंगे, राइस ब्रान, सरसों की खली, यूरिया, DAP इनका छिड़काव करेंगे मिनरल ईस्ट के साथ, तो बहुत अच्छा प्लैंकटन आपके तालाब में बनने वाला है। दोनों चीज़ आपके पास होने चाहिए। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर मंगवाइए। बहुत सारे लोग ऑर्डर कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, उनके पास जा रहा है, इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और बार बार रिपीट कर रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत शानदार ग्रोथ आ रहा है पहले के मुकाबले। तो मिनरल और ईस्ट मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए। अक्टूबर महीने में तालाब की सफाई कीजिए, पानी का ट्रीटमेंट कीजिए, किसी भी प्रकार का रोग होगा, किसी भी प्रकार का अमोनिया होगा, नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट होगा, कोई भी दिक्कत होगा मछली में, कोई रोग होगा, सभी चीज़ ठीक हो जाएगी अक्टूबर में, क्योंकि दिसंबर जनवरी में कोई दिक्कत होगा तो उसे आप रोक नहीं पाएंगे। अपने पास जियोलाइट जरूर रखिए, बहुत ही काम की दवा है। मिनरल और ईस्ट के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। ठंडी के लिए मेन भोजन मिनरल और ईस्ट ही है।